नमस्कार एवरीबॉडी, मैं हूँ आपका दोस्त HD जैक्स और आज एक अलग वीडियो के साथ आया हूँ गाइस। आपको पता ही है क्रेजी आ रही है मुझे कितना परेशान करता रहता है और यार बहुत माइनक्राफ्ट में मैं बहुत बड़ा नूब हूँ यार, बहुत मुश्किलें होती रहती है। तो फाइनली मैंने आज बहुत रिसर्च और ये सब करने के बाद सोचा है आज मैं डोरेमोन को बनाऊंगा गाइस। हाँ गाइस, मैं डोरेमोन को माइनक्राफ्ट में बनाऊंगा जो मेरी हर बात में मदद करेगा और मैं माइनक्राफ्ट का प्रो बन जाऊंगा गाइस। तो यहाँ पे ये मेरा घर है और इसमें खुफिया एंट्रेंस है जहाँ पे मेरा पूरा लैब है, केमिस्ट्री लैब, और उसमें मैं डोरेमोन का क्या बोलते हैं आविष्कार करने वाला हूँ क्योंकि डोरेमोन फिर मेरी मदद करेगा और मैं माइनक्राफ्ट का प्रो हो जाऊँगा। तो यार गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अभी हम लोग चलते हैं डोरेमोन को बनाने के लिए मेरे पीछे वाले घर के अंदर गाइस, और पूरा वीडियो देखना क्योंकि मैं डोरेमोन के गैजेट्स भी यूज़ करने वाला हूँ। तो चलो यार अंदर चलते हैं और ये घर मैं आपको दिखाता हूँ और केमिस्ट्री लैब भी। सो जैसे आप देख सकते हो ये घर इतना कुछ खास है नहीं, मतलब नॉर्मल ही घर है यार, पर मैं ये घर डोरेमोन बनाने के लिए केमिस्ट्री लैब बनाए तो यहाँ पे देख सकते हो इतना कुछ खास चीज़ें है नहीं घर में, देख सकते हो एकदम आलतू फालतू। और वो देखो ये आयरन गोलेम मुझे हमेशा परेशान करता रहता है यार। रुक आयरन गोलेम, मैं डोरेमोन के गैजेट से तुझे छोटा कर दूंगा स्मॉल लाइट से, रुक। सो ये है मेरी केमिस्ट्री लैब जैसे आप देख सकते हो, और इसमें बहुत ज़्यादा मशीन्स है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये है लैब टेबल है, फिर ये क्या बोलते हैं एलिमेंट कंस्ट्रक्टर, इसमें हम लोग एलिमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जैसे कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं। देख सकते हो बहुत साइंटिफिक केमिस्ट्री लैब है और हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके केमिकल्स मिला के डोरेमोन को बनाने वाले हैं और फिर हम लोग इस देश पे राज करेंगे क्योंकि डोरेमोन मेरे साथ होगा तो यार फिर क्या ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे केमिस्ट्री लैब है और ये क्या फालतूगिरी कर रहा हूँ यार, केमिस्ट्री में मैं इतना पीरो तो हूँ नहीं वैसे। छोड़ो छोड़ो ये जाने दो ये जाने दो। तो यहाँ पे और कौन से मशीन्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मटेरियल रिड्यूसर भी है और ऊपर वाले चेस्ट में देख सकते हो केमिकल्स हैं हमारे पास बहुत सारे। ये केमिकल्स हम लोग जब मशीन में डालेंगे तो इसके नीचे जो चेस्ट है उसमें ये उसके नीचे जो चेस्ट है इसमें सब डोरेमोन और उसके गैजेट्स तैयार होंगे। तो जैसे आपको मैं दिखा सकता हूँ Na और Cl सोडियम और क्लोराइड को लेके हम लोग सॉल्ट बना सकते हैं। ये सॉल्ट दिख क्यों नहीं रहा भाई, थोड़ी देर पहले दिख रहा था अभी नहीं दिख रहा, मतलब पहले मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका था। अरे अरे कौन हॉर्न बजा रहा है। सो यहाँ पे अरे अरे अरे, तो यहाँ पे देख सकते हो वैसे ही अभी हम लोग सब केमिकल्स लेने वाले हैं और फिर उसके बाद हम लोग डोरेमोन का आविष्कार करने वाले हैं गाइज। अभी जो समय रहा है अब ताकतवर बनने का, तो यहाँ पे मैं ये वो सबसे कोपरे वाले में लैब टेबल में सब केमिकल्स डालूंगा और उसे कंबाइन करूंगा गाइज, और फिर डोरेमोन तैयार होगा और उसके गैजेट्स के साथ नीचे वाले टेबल में आ जाएगा। आना ही चाहिए भाई, आना ही चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिए, आबरा का डाबरा हम लोग पहुँच गए, डाबरा LKSM की ये प्रोसेस बाकी है गाइज। तो चलो यार डोरेमोन बनाते हैं सब केमिकल्स डाल के फटाक से। तो चलो फटाफट ये कौन से थीलियम बिस्मत और ये सब डालते हैं और इसके बाद हम लोग डोरेमोन का आविष्कार करेंगे गाइज। वैसे क्या दिन आ गए हम पे भी यार, ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं। तो चलो ये हो गया और अभी हम लोग इनको कंबाइन कर देते हैं और कुछ तो हुआ है गाइज। सो यहाँ पे इस चेस्ट में डोरेमोन बना होगा कि नहीं। ओ भाई डोरेमोन और उसके गैजेट्स के साथ तैयार हो चुका है और इसके साथ डोरा केक भी है। तो यहाँ पे हम लोग ने डोरेमोन ले लिया है और उसके गैजेट्स भी है। क्या नाम है ये? अच्छा ये जापनीज डोरेमोन है यार, हिंदी वर्जन में हमें अभी तक उसको डब किया नहीं है तो माफ़ कर देना। तो यहाँ पे स्मॉल लाइट बिग लाइट और ये एनीवेयर डोर भी है, तो चलो ये सब ले लेते हैं। और ये क्या है, इनविजिबिलिटी वाला स्कार्फ भी है, तो चलो यार ये बहुत ओपी। और ये चीज़ें क्या है भाई नीचे वाली, बहुत मज़ेदार होने वाला। तो चलो यार डोरेमोन के गैजेट्स चेस्ट करते ऊपर चल के फटाक से भाई। ये डोरेमोन एकदम नोबिता की तरह आवाज़ है क्या? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ मिथ पैट कर सकता है भाई, हम तो नूब है। तो यहाँ पे देख सकते हो डोरेमोन आ चुका है। डोरेमोन कैसा है भाई? अच्छा बोलता नहीं है क्या? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी हमें गैजेट सेपरेटली मिल ही चुके हैं तो हमें डोरेमोन की क्या ज़रूरत। तो चलो यार डोरेमोन के गैजेट्स टेस्ट करने के लिए हम लोग बाहर चलते हैं। यार मज़ा ही आने वाला है। ये कौन सा गैजेट है? ये गैजेट असल में वो होता है ना जो इनविजिबल कर सकता है। ये अभी हम लोग टेस्ट करेंगे और फिर इसका पार्ट टू, अगर आप कहोगे ना आप कहोगे तो ही पार्ट टू में हम लोग इससे हम लोग क्रेजी आर्य को ट्रोल करेंगे। बस हाँ कमेंट सेक्शन में बताओ कि पार्ट टू देखना पसंद करोगे कि नहीं। तो चलो यहाँ पे ये गैजेट से तो कुछ हो नहीं रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस गैजेट से क्या होगा भाई। मेरे को स्मॉल लाइट और बिग लाइट टेस्ट करनी है, उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो यार ये विलेज में चलते, वो आयरन गोलम किधर है? उसको तो मैं स्मॉल बहुत छोटा करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग विलेज में आ चुके हैं और ये डोंकी पे ट्राई करते हैं यहाँ पे। अरे अरे ये डोंकी पे ये वाली मशीन तो ट्राई नहीं हो रही यार, ये एग्जैक्टली है क्या? ये वही है जिसमें हम लोग उसका नाम लेके बटन दबा देंगे तो वो गायब हो जाएगा सर्वर से, वही वाला गैजेट है। पर इसको वर्क कैसे करे भाई, ये
मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। इसको एक तो लैंग्वेज भी कुछ अजीब आ रही, घोड़ा गायब भी नहीं हो रहा। इसके ऊपर मैं बैठ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है गायब हो रहा है, पर फिर पता चलता है मैं इसके ऊपर तो बैठ चुका और डोरा केक भी नहीं खा सकते क्योंकि हम लोग का हंगर भरा हुआ है। तो चलो यार, इसको हम लोग एनी वे डोर लास्ट में यूज़ करेंगे। ये क्या है, टोरेंटो? इससे हम लोग इनविजिबल होते हैं कि नहीं देखते? और भाई हाँ, हम लोग इनविजिबल हो गए भाई, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया। विलेजर मैं देख पा रहा हूँ, तू मुझे देख पा रहा है? क्या बोलता हूँ मैं कभी कभी। ए इनुबड़े इनुबड़े इधर देख, नहीं दिख रहा मैं तेरे को। इसको स्मॉल लाइट से स्मॉल करके देखो क्या देखते। चलो ये बिग लाइट है, ये बिग लाइट ट्राई करते। नहीं ये भी कैसे स्पॉन करते? चलो यार, दो गैजेट्स तो वेस्ट हो गए, ये दोनों की यूज़ कैसे करते वही मेरे को समझ नहीं आ रहा। चाहट, अरे रे, आयरन गोलम आके मारेगा भाई मेरे को अभी वो बिग लाइट, स्मॉल लाइट और एनी वेयर डोर तो वर्क करने चाहिए। अब तक वो इनविजिबिलिटी वाला ही वर्क किया है, ये यूज़ कैसे करते हैं? तो चलो यार, ये बिग लाइट, ये स्मॉल लाइट है, इसको यूज़ करके देखते हैं चलो कितना स्मॉल होता है ये। रुक रुक रुक, ओ भाई देख सकते हो, अरे भाई क्या ही छोटा हो गया, मज़ा ही आ गया। देख सकते हो कितना छोटू सा है ये डोंकी, मतलब एक ब्लॉक पे आ रहा है लिटरली। क्या ही मज़ेदार, बिग लाइट से तो क्या ही मज़ा आएगा। और विलेजर किधर है? विलेजर को स्मॉल करते हैं भाई, किधर गया? विलेजर नहीं, आयरन गोलम को करते हैं। हाँ भाई, आयरन गोलम बहुत मचा रहता है, प्रो बनता है ना, अभी तेरे को दिखा रहा। ये देखो आयरन गोलम मुझसे पंगे लेता है। भागता किधर है? रुक, देख छोटू, छोटू देख सकते हो कितना सा छोटा सा प्याला सा आइलैंड गोलम। अभी क्या, पहले बहुत चौड़ दिखाते हैं ना, रुकते हुए मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। तो अभी देख तेरे को कैसे बाय हाथ का खेल है तुझे मारना। रुक, देख तेरी वाट। तो यहाँ पे से हम लोग आगे चलते हैं यार, हम लोग ने अंडर एस्टिमेट कर दिया आयरन गोलम की ताकत को। चलो ये बिल्ली को बड़ा कर देते हैं, चलो अब मज़ा आएगा। ये बिल्ली भागने से पहले ही बड़ा कर देते हैं। हो गई, देखते ना कितनी बड़ी होती है, मेरे को बस ये चेक करना है भाई। भाग मत, यहाँ पे कितना बड़ी हो गया, बिल्ला हो गया, अबे ये तो शेर हो गया भाई, कितना बड़ा। ओ भाई, ये तो पूरे घर से भी, अबे विलेजर को किसने बड़ा कर दिया? विलेजर कहाँ से बड़ा हो गया? बाप रे, कितना बड़ा विलेजर है। अरे बाप रे, क्या ही मोड़ है, गजब, मज़ा ही आ गया। मतलब ये बिल्ली अभी डर नहीं रही क्या मुझसे? हाँ, अभी बड़ी हो गई तो हिम्मत आ गई क्या तुझ में? और ये विलेजर घर के अंदर ही अटक चुका है यहाँ पे, ये बिल्ली में नहीं डरती है, क्या फ़ायदा फिर इतने बड़े होने का? वो आयरन गोलम से सीख कुछ, देखो इतना छोटा सा पिद्दू तो अभी वन शॉट मार दिया मेरे को। तो यहाँ पे इस विलेजर को भी बड़ा कर देते यार, बहुत ही ओपी गजब वाला मोड़ है। तो रुक, तेरे को बड़ा करे। अरे हो क्यों नहीं रहा भाई, ये ट्रेड क्यों हो रहा है अभी, बड़ा क्यों नहीं हो रहा भाई? एक ही भरा, अब मज़ा आएगा ना बिड़ू भाई साहब। क्या ही गजब मोड़ है यार, मज़ेदार। ऐसे मोड़ में कहाँ से लाता है यार, बहुत मेहनत करता लाने के लिए। आप सब्सक्राइब कर दो। अरे काऊ कहाँ से बड़ा हो गया, इसको थोड़ी बड़ा किया था यार, मतलब लाइट में आने वाली सब चीज़ें बड़ी हो जाती है यार भाई, मज़ेदार ही। हम लोग पार्ट टू में एंडर ड्रैगन को भी बड़ा करेंगे, पर हाँ, अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे और कमेंट करोगे कि पार्ट टू देखना पसंद करोगे तो ही लाऊँगा। तो चलो यार, पानी में फिश को बड़ा करके देख सकते हैं हम लोग। फिश यहाँ पे नीचे कहाँ है भाई, कोई तो मार रहा है भाई यहाँ पे, ट्राइडेंट वाले, ये देखो यहाँ पे नीचे। चलो इनको ही बड़ा कर देते, चलो भाई देखते कि ये कितने बड़े हो जाते। तो यहाँ पे पानी में कुछ समझ नहीं आ रहा, पर हो गए, बाप रे कितने बड़े हो गए, देख सको दाना हो गए पूरे के पूरे। ज़ॉम्बी तो बड़ा वाला होता ही है मोड़ में। तो यहाँ पे फिश किधर है यार भाई, ये विलेजर है ऊपर, यहाँ पे फिश आई है, देखो यहाँ पे फिश है। तो चलो इनको बड़ा करके देखते हैं यहाँ पे इनका, ये चलो ये दबाते हैं भाई। अरे हो क्यों नहीं रहे भाई ये, अरे बड़े हो जाओ, ये बड़े क्यों नहीं हो रहे भाई, अरे हो जाओ ना भाई, हो गए क्या बड़े? हाँ हो गए भाई, हो गए, इतने बड़े थोड़ी रहते हैं फिश भाई। भाई बहुत बढ़िया। तो चलो यार बाहर चलते हैं, तो मैं डूब के मर जाऊँगा भाई, कितने बड़े हो गए देख सकते हो एक साथ, मतलब साल भर का मच्छी हो जाएगा ये, बाप रे इतना ज़्यादा फिश है। तो चलो बाहर चलते भाई, ब्रीथ मरना नहीं है मेरे को। तो चलो हम लोग बाहर आ चुके हैं, और भाई ये क्या हो रहा है, बाहर क्यों नहीं आ पा रहा हूँ मैं पानी के भाई, गेम लैग करने लग गया भाई, इतने इनको इतना ज़मीन से बड़ा कर दिया। हम लोग क्रेजी आरे को भी ट्राई करेंगे ये मॉड भाई, बहुत ज़्यादा लैग होने लग गया। अभी एनी वे डोर ट्राई करने का समय आ चुका है दोस्तों। एनी वे डोर का नाम ये क्या है, डोकोयोम्बोम्बा। तो छोड़ो ये वाला नहीं, ये वाला ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे वाप लिखा है, तो हम लोग एक यहाँ पे रखेंगे और एक हम लोग दूसरी जगह रख के आएंगे। बस मैं सही जगह टेलीपोर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी एक बार टेस्ट करें वो वाले के इधर स्पॉन ना हो जाए। तो चलो यहाँ पे पानी के वो साइड लगाएंगे, मतलब हम लोग ऐसे लगना चाहिए ना। अरे भाई ये अभी भी मार रहे हैं मेरे को। तो चलो यहाँ पे लगा देते हैं और वार्प दबा देते, देखते कहाँ पे हम लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे, अरे ये कहाँ पे आ गया भाई? अच्छा ये मैंने स्टार्टिंग में लगाया था टेस्ट करने के लिए, ये यहाँ पे आ गया भाई, यहाँ पे आ गया। अभी वापस कैसे जाऊँ भाई? अरे तोड़ दिया मैंने,
तोड़ दिया, वापस कैसे जाओ भाई, रुको वापस एक बार स्पॉन करता हूँ भाई, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। बहुत ही गजब मॉड है, मतलब हम लोग एक जगह लगाएंगे और एक दूसरी जगह लगा देंगे ना, तो ये बहुत ही ओपी वाला मॉड होने वाला है भाई। भाई डोरेमोन तुम तो लाजवाब हो भाई, गजब ही गजब, एकदम गजब मॉड हो गया। पर मैं एक काम करता हूँ, ये अभी जाके घर में रख के आता हूँ, क्योंकि क्रेजी आर्या को भी बुलाना है ट्रोल करने के लिए, तो मैं फटाक से घर की तरफ बढ़ता हूँ। ये वाला तो बकवास है, यहाँ पे देख सकते हो इतनी बड़ी पिग है। तो गाइस सब्सक्राइब कर दो, मतलब मैं इसका पार्ट टू बनाऊँ जिसमें मैं क्रेजी आर्या को ट्रोल करूँगा इन मॉड से, यार बहुत ही गजब है। तो चलो ये घर के अंदर रख के आता हूँ यार, मैंने तो कोई इसका गलत इस्तेमाल कर देगा। सो ये मेरा घर आ चुका है सामने यार, यहाँ पे चलो यार ये फटाक से रख के आता है, देख सकते हो भाई देख कितना कितनी गर्दी हो चुकी है यहाँ पे। तो चलो चलो मैं घर की तरफ बढ़ता यार, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, यहीं पे सामने मेरा घर है, तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे ये सब चीज़ें रख के आता हूँ। मतलब क्रेजी यार को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो मेरी वाट लग जाएगी। और यहाँ पे ये मेरा घर आ गया और यहाँ पे चलते, ओ नो गया।